हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप और सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है गाइस आपके प्यार के साथ, और आज से मैंने स्टार्ट करा है गाइस पार्क जाना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि एकदम मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मेन चीज़ ये है कि हम लोग थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, कि अभी से ही नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रौनक को मैंने छोड़ा है स्कूल, और उसको स्कूल से छोड़ के आते हैं मैं और कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक। तो गाइस, अभी थोड़ा सा मैं सैर करूँगी, देखती हूँ आधा पौना घंटा जैसे भी होगा, तो आधा घंटा पौना घंटा जितना ही मेरे को टाइम मिल पाएगा फिर मैं वॉक करूँगी अपना, और उसके बाद मैं जाऊँगी गाइस घर और अपना काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि सारी चीज़ें तो यही है ना, कि हमारी डेली की रूटीन यही होती है कि सुबह उठना और काम पर करना। और यहाँ पर हमारे ये बर्ड्स खाना खा रहे हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह गाइस पार्क करने का मज़ा ना कुछ अलग होता है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा पार्क है। तो मेरे हो गए गाइस पूरे 10 राउंड, और मैंने 10 राउंड लगा लिए पूरे पार्क के। तो अभी हो गई मुझे थकावट, क्योंकि मेरे को चलने की हैबिट नहीं है स्कूटी की वजह से। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके शुरुआत करते हैं, एकदम से ज़्यादा करूँगी तो दिक्कत होगी मेरी फ्लैक्स को। तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ गाइस, तो मैं आपको मिलती हूँ घर जाकर। तो मैं बना रही हूँ गाइस अपने लिए आलू और सोयाबीन वाले चावल, क्योंकि पहले मैंने सोचा था मैं सेवैयाँ बनाऊँगी, मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने सोचा मैं यही बना लूँ। तो बस अभी चावल डाल दिए इसमें, 2-3 सीटी आएंगी और बन जाएंगे। और यहाँ बन गई है मेरी चाय, और बस अभी मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। रौनक के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बना रखी थी रात वाली, वो बनी भी थी, तो उसको मैंने रोटी बना दी है। तो बस अभी मेरे चावल का पता लग रहा है, और गाइस उसके बाद धीरे धीरे करके काम ख़त्म होगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है मेरा ऑफिस जाने में। तो बस अभी मेरा काम मैं कंप्लीट करके ही ऑफिस जाऊंगी। तो गाइस, आज स्कूल से आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई, और मैं कैसी हुई मैं आपको बताता हूँ। मैं तो गाइस, आपको पता ही है मेरे जो मामा का लड़का है जो कि प्रीत है, मेरा कज़न है, वो भी जाता है मेरे साथ स्कूल। आज वो स्कूल नहीं आया था, उसने पहले ही बता दिया था कि वो मतलब मंडे से जाएगा, तो मतलब सैटरडे, आज सैटरडे है तो गया नहीं, तो हाँ मैं अकेला गया था। तो ना एक और क्या कहते हैं, काकू का भी एक कज़न है, वो भी जाता है मेरे स्कूल के अंदर, तो मैं सोचा मैं उसके साथ आ जाऊँगा। मैं थोड़ी देर वेट किया तो वो भी नहीं आया, तो मैं सोचा अब अकेले जाना पड़ेगा। मैं रिक्शा ढूंढ रहा था, रिक्शा भी नहीं मिला, सारे रिक्शा वालों के पास मैं जा रहा सारे कैंसिल करे जा रहे, क्योंकि मैं अकेली सवारी था ना, और बाकी सवारी उनको मिल रही थी, तो उनको लग रहा था कि नहीं एक बंदे के लिए इतना दूर जाना, यहाँ पर सारे उतरेंगे उधर ही उतार दूँगा उन्हें, तो हम मेरे को सारे कैंसिल करे जा रहे थे। तो मेरे को पैदल आना पड़ा, 1-2 किलोमीटर में पैदल चल कर आया हूँ मैं। तो गाइस बहुत हालत ख़राब हो गई, एकदम पैर टूटने लग गए थे मेरे, लेकिन फिर भी कोई ना, अब रेस्ट कर लूँगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था सो जाओ, लेकिन मम्मी फिर गई कि सोते रहता बहुत टाइम, कुछ करता नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तो सोने वाला प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। ये मैनर्स की बात कर रही है जिसको खुद मैनर्स नहीं है, और ये मैनर्स की बात कर रही है यहाँ पे, इसको खुद तमीज नहीं है बात करने की, बड़ों से कैसे की जाती है बात, छोटे बड़े से कैसे बात कीजिए, मतलब इसको एक टॉपिक चाहिए, बहाना चाहिए होता बात करने के लिए। तो बहन ये क्या पहन के घूम रही है? तो मैं टॉप ट्राई कर रही थी मैम, ये पहले पूरा दिन मैं टैग लगा के घूम रही थी, पापा का पता करने गई थी, हर जगह सिर्फ टैग लगा के घूम रही हूं मैं। ये पहन के गई थी? हाँ। अच्छा, बुकिंग होगी वहाँ पे? मस्त, ठीक है। तो तू ड्रेस पहनेगी है ना? हाँ, एक नॉर्मल वन पीस है पूरा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता, सवाल है तेरे से, एक क्वेश्चन है। सुन रही हूँ। ठीक है, हमारी गाइस की तरफ से आता है हमेशा, तो वो मैं तेरे से कर रही हूँ। बोलो बोलो। कि तेरी और मेरी बॉन्डिंग अच्छी बनती है ना? तो क्या करें? क्यों नहीं, नहीं करना कुछ नहीं है पागल नहीं, फिर हमारी बॉन्डिंग क्यों अच्छी है बता तो, क्योंकि आप मेरी एज के हो ये ज्यादा हो गया ये ज्यादा हो गया, मतलब क्या क्या मम्मी, क्या क्या मम्मी, मम्मी हाय हाय, देखने जरा पीछे पीछे आएगा, चाय बना दो चाय बना दो, देखिए जरा पागल क्वेश्चन। हाँ क्यों माने इसलिए, क्योंकि अभी मतलब यार आप सबसे छोटे हो, होता है कि छोटी जाति से अच्छी बनती है। तो ज्यादा एज डिफरेंस, मैं निक्की तो मैं निक्की रहूंगी, हां निक्की और निक्की रहो, मतलब अच्छा है हमारी बॉन्डिंग। अब जैसे आपसे को बारिश में मतलब शेयर, आप नीचे भी रहते हो तो ना, थोड़ा होता है कि साथ साथ आमने सामने रहता थोड़ा सा बनती है। नहीं ऐसा नहीं है, बनती सबकी है, मतलब एकदम साथ साथ बनता, सामने तू बोल देता है कुछ। हाँ जैसे कि सीढ़ियां चढ़ो बताओ,
टांगे तोड़ाते आप, वो पंगे लेने वाले बातें लोग जाते ना कि ठीक है कुछ भी चैरी से कुछ बोल दिया, आपसे कुछ बोल दिया, तो फिर ऐसा बॉन्डिंग बन जाती है। हाँ थोड़ा सा रहता है वैसे, है तो बॉन्ड सबके साथ ही अच्छा, वो तो सबके साथ ही सबसे ज्यादा। ऐसे मेरा आपसे भी सोन चाची के साथ, हाँ वो तो शुरू से ही है ना सोन चाची का तो मेरा कितना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर से आपसे तो नीचे नहीं की वैसे ज्यादा सोन चाची से मेरा बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो मैं पर्सनल कोई भी बात कर लेती हूँ जितनी आपसे भी नहीं कर पाती। अच्छा वो तो ऐसे क्योंकि चाची ना स्टार्टिंग से मतलब वो देखो पार उसके बड़ा करा एक तरह से, वही चीज है ना भाई, उन्होंने हमेशा मेरी कुत्ते दूध पिलाना, हाँ, क्लिप लगाना, ये करना वो करना, कोई किससे दूध नहीं पीती, सिर्फ उनसे दूध पीती थी मैं। तो होता है बॉन्ड बन जाता है, वो ना दूसरी मम्मी की तरह है मेरी। हाँ ये चीज तो ऐसे फ्रेंड मान लेते हैं, उनको दूसरी माँ बन जाती है मेरी। हाँ वो तो चीज अच्छी है। चलो सही है, तो तेरा जवाब ये रहा कि हमारा बॉन्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं तुझे एक फ्रेंड लगती हूँ अपनी, है ना। चलो बढ़िया मेरा, कि तेरी और मेरी इतना प्यार क्यों है, और तू बोलेगी क्योंकि आप पागल हो चाची, बहुत बड़े पागल हो। तो आज ये आपसे मेरा सवाल है, आज मैं सबसे एक एक सवाल करूंगी जाके। तो मेरा सवाल पहले तो ये है कि पहले तो आपका मेरा प्यार बहुत है, ठीक है, और उसकी वजह से मैं आपके पास आसपास रहती हूँ, है ना। तो सबका ये आता है कि मैं हमेशा आपके साथ चिपकी रहती हूँ, मैं आपके साथ चिपकी रहती हूँ, पहले बताओ। मैं तो 16-17 दिन थी तो नहीं नहीं, वो तो अभी की बात नहीं है ना, वैसे की बात है कि मैं चिपकी रहती हूँ आपके साथ। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ए बाप बता, जब तू सुबह ऑफिस जाती है मैं सो रही होती हूँ, ठीक है, जब तू वापसी आती है मैं दुकान पे उठती हूँ। हाँ मैं जब दुकान से आती हूँ तो आके मैं अपना रसोई का देखती हूँ, उसके बाद मुझे टीवी देखना होता है, मैं सीरियल नहीं छोड़ती। सीरियल जब तक खत्म होता है जब तक तू सोने की तैयारी कर रही होती है। हाँ चिपकने वाले तो नहीं है, नहीं है ना, पर प्यार तो है हम में, है ना। तो सबका है, सोनिया डॉली तेरा मेरा घर में मेरे सबसे प्यार है, ठीक है। घर में रहते हैं, बहनें मेरी दूर रहती हैं मगर दीरानियां मेरी तीनों मेरे पास रहती हैं, तो प्यार तो है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि हम लोग इकट्ठे साथ में रहते हैं तो प्यार हमारा बना हुआ है ना, ऐसे सब अलग अलग हो जाएंगे फिर अपने अपना सब बिजी हो जाते हैं, फिर कोई रहता ही नहीं इतना, है ना। तो अलग का सीन कब तक है कब तक नहीं है मुझे नहीं पता, ये जब तक हम इकट्ठे हैं जब तक बच्चों की शादी नहीं होती। हाँ अगर एक बच्चे की शादी हो जाती है, अगर बच्चा कह देता है अपने माँ बाप को कि मम्मी आप इधर नहीं रहेंगे अब आप हमारे साथ हो, तो फिर माँ बाप को जाना पड़ता है। हाँ वो चीज है, पर अभी तो प्यार हम सब में बीच में बना हुआ है। हाँ वो तो है। चलो ठीक है, तो मतलब मैंने, आपने मुझे फोन लेकर दिया जब भी, है ना, तो मैंने आपसे कोई मतलब निकाला है क्या उसमें, आपने मुझे फोन गिफ्ट करा ना। हाँ तो क्या मतलब है इसमें, तो मैंने आपसे कोई मतलब निकाला है क्या उसमें, नहीं क्यों, कोई कमेंट आया। हाँ क्या है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब ही हूँ, मतलब कि आपने मुझे फोन लेके दे दिया, मैं आपके से इसलिए उठती बैठती हूँ, घुलती मिलती हूँ। लोगों को ना ये नहीं पता कि तू मेरे से नीचे रहती है। हाँ। क्या होता है कमरे से बाहर निकलते ही तू नजर आ जाती है। हाँ। सोनिया डॉली से मिलने के लिए पहले मैं जाल के नीचे जाना पड़ता है, फिर गर्दन को ऐसे ऊपर करना पड़ता है, कितनी देर में तो गर्दन ही टूट जाती है। मेरा भी ऐसे ही होता है, दर्द होती है, साफ सीधी बात है, ऐसे करने से उनकी भी ऐसे करने से दर्द होती होगी नीचे देखती है, तो इसलिए पहले उनको आवाज मारो बेचारे कोई काम कर रहे हैं कि चल। हाँ। कुछ है, मेरे को दिख जाता है ना कि तू सामने फ्री है, तो हम दोनों बात कर लेते हैं दूसरे से, है ना। वो भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे सोनिया है, सोनिया डॉली के पास चली गई, डॉली सोनिया के पास चली गई, तो क्या हो गया, आसपास है तो हर कोई जाएगा ना, क्योंकि आप अभी चले गए थे ना, आप चलेगी चीना चलेगी, तो मेरा मन ना बड़ा उदास हो गया था, सही में बताऊं तो मुझे तो लगा था कि सब खाली हो गया, क्योंकि ऊपर से वो भी चले गए थे शिमला अपना, वहाँ पे ऊपर सोने वहाँ भी इतना है ना, अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ तो फिर अकेला अकेला से लग रहा था कि नहीं सब खाली हो गया, अकेले मन ही नहीं लग रहा था, मतलब बाकी सबको ये समझ में नहीं आता कि हमारा प्यार बना हुआ है इसलिए हम एक दूसरे से बात करते हैं ना। भी जहाँ प्यार होता है वहीं पर ही बातें होती है, प्यार आस पड़ोस में उनको बातें करते, बातें कहाँ करते हम जाके, पहले लोग पड़ोसों से कितने बातें करती थी, पड़ोसियों के घर जाते थे। हाँ। हमारी हमारी सास ने कभी हमें बाहर गई वही नहीं बेचारी जाती थी मम्मी, वही ना मम्मी कोई आदत पड़ गई मम्मी, बाकी औरतें जैसे नहीं नहीं जैसे बाकी औरतें बाहर गली में धूप सेकने बैठ जाती, मम्मी आज तक नहीं बैठी थी, तो इसलिए हम लोगों को भी आदत नहीं है, हम तो धूप में बैठे ही नहीं बाहर जाके, कभी गली के अंदर कभी कुर्सी नहीं डाली। हाँ हम तो छत भी पे नहीं जाते हैं, कमरे में कमरे में बैठे रहते हैं। मैं तो चलती भी ऐसी हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ वही नजर नीचे होती है, लोग मुझे कई बार बोलते हैं ले ललता तो आग चुरा के भाग जाती है, बोलना नहीं जाती, तो मैं नमस्ते जी। हाँ। मैं कर देती हूँ, जो मिलता है वो नमस्ते करती हूँ। हाँ वो तो बनता भी वही है, उसको देखो जैद को देखो, अभी नहीं कुछ भी। आप मुझे ये बताओ कल क्या पहन रहे हो, पता नहीं वही सोच रही हूँ क्या पहनूं, समझ नहीं आ रही, मैं भी खुद मेरे पास आने लगी थी डिस्कस करने क्या क्या पहनना है, सब बताओ। मेरे पास डिस्कशन करने के लिए आने वाले थे, क्या पहन रही है, साड़ी
सूट नहीं, अगर साड़ी हो तो साड़ी पहन लेती, वैसे मैं थोड़ी सिंपल सोबर साड़ी अगर होती तो, पर है नहीं ना। हाँ बिल्कुल सिंपल साड़ियाँ होती भी तो नहीं है कई बार, प्लेन साड़ी अच्छी लगती है ऐसे ओकेजन पे ना, प्लेन डार्क कलर और पतली बॉर्डर। हाँ हाँ, आपके पास नहीं है क्या साड़ी ऐसी? मेरे पास तो काम झम वाले होना है, कोई सीपी सितारे नहीं नहीं नहीं, ऐसे फंक्शन में वैसी अच्छी नहीं लगती। मैं खास साड़ी पहनती कब हूँ इसलिए मैं लेके भी नहीं आती इतना। हम्म, वही लॉन्ग लॉन्ग सूट और या गाउन या फ्लेयर वाली ऐसी चीजें बाकी देखती हूँ कल क्या पहना जाता है। सब सोनिया भाभी ने बताया नहीं क्या पहनेंगे, वो भी कह रहे देखते हैं कोई, सब देख ही रहे हैं एक दूसरे का है, जवाब कोई भी नहीं दे रहा, तैयार होके निकल पड़े। हाँ सबको, सबने अलग अलग से कुछ पहना हुआ है, पर मेरे को तो पहन सूट ही पहनना है वैसे तो, पर देखूंगी अगर मेरे पास कोट सेट अगर हो गया अरेंज तो पहनूंगी, तो नहीं। हाँ देख लिए कोट सेट वगैरह पहनना है, मेरे पास है, मेरी भाभी ने दिया नहीं था अभी, मेरी इसमें और ये क्या पहनेगा हीरो? ये अभी मुझे पूछ तो रहा था मैं क्या पहनू, मैंने कहा देख ली कुछ भी पहन ले सब कुछ, वो टी शर्ट और जीन्स ही पहनेगा बेटा, शर्ट जीन्स यही पहनेगा और क्या, ये जन्मदिन की पार्टी है ना, शादी पार्टी। हाँ। तो पता लग रहा है। हाँ। जो भी जलवे दिखाने हैं ना वो चीना की शादी में। हाँ। दिखाएंगे उसकी सगाई में, शादी में दिखाएंगे। अब भी सारे कर दोगे तो फिर कैसे दिखाओगे, ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो तब लुक नहीं दिखा, डिफरेंट नहीं होगा फिर, है ना। अच्छा चलो ठीक है, अब बताओ आपको मुझसे कितना प्यार है, रियल बताना। बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार कैसे बताऊं, वो क्या नाम है वो तो होनी है बजरंगबली तो होने की सीना फाड़ के दिखा दूं। अच्छा तुझे पता होगा कितना प्यार होगा, मैं कितना प्यार दिल से करती हूँ वैसे करती हूँ। मैं अगर करती हूँ तो करती हूँ, नहीं करती तो नहीं करती, मैं ऐसे फेक वाला काम करती नहीं, मुझे पता है फेक वाला काम करना भी नहीं चाहिए। घर में क्या फेक करना है। देख मुझे गुस्सा आता है तो तुम्हें गुस्सा उतार देती हूँ, जब मुझे प्यार आता है तो प्यार दिखाती हूँ, तो दोनों चीजें, दोनों चीजें गलती समझाते भी है। हाँ। कि ऐसे नहीं करना ऐसे करना, तो फिर जब अपना किसी को हम समझते तो उसी पे हक जाता है कि उसी को बोल देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं हम किसी को अब पराए किसी के घर जाके हम तो किसी को बताते बोलते ही नहीं है। हाँ। फिर अपने घर भी बोलते हैं। गुड रिप्लाई, गुड रिप्लाई, सबका रिप्लाई यही आ रहा है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करना चाहती थी किसको मुझसे कितना प्यार है ना अभी सार्थक भाई, सार्थक कितना प्यार है मेरे से? अच्छा बता दे, मैं कर दूंगी कैमरा नहीं तो जल्दी जल्दी से बता दे, अपनी ड्रेस सेट में हाँ या ना में बता दे प्यार है या नहीं, सार्थक बता जल्दी जल्दी बता, बहुत है। नहीं नहीं बोल, आवाज आनी चाहिए, हाय हाय भाग गया इशारों से बताता है। तो गाइस नाइट रूम में घूम रहा था उसको मैं ले नहीं सकती थी, नहीं तो इसको बताती मैं, इशारे करके चला गया, खून कहाँ पे, अरे नहीं खून नहीं आ रहा, पागल होकर डरा दिया मेरे को, खून कहाँ से आ गया। अरे ऑफिस में एक लड़की ना लिपस्टिक लेके थी, आप ना मैं लाइट कलर लगाती हूँ ना, ये भी मुझे डार्क ही लग गई थी, ऐसे कलर लगाया करो, ये डार्क कलर ब्राइट कलर से तो मैंने बोला जिंदगी में मैंने इतने डार्क कलर भी लगाए नहीं है, सुंदर लगता है लगाओ तो कुछ फर्क नहीं, नहीं मेरे को पसंद ही नहीं डार्क कलर, मुझे बहुत पसंद है शुरू से ना, मैंने कभी लगाए मेरे पर कितने पड़े हैं, वो फेस के कॉम्प्लेक्शन पर अच्छा लग जाता है। हाँ थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, सुंदर लगता है, सोनिया भाभी ने उस दिन मजेंटा कलर लगाई थी, कितनी सुंदर लग रही थी सोनिया भाभी, इतना अच्छा लग रहा था मजेंटा सूट, कलर जस्ते मींस कि एकदम कोई कलर बहुत ज्यादा खिलता है ना, रेड मजेंटा गोरा रंग तो वैसे बड़ा खिलता है, उनका कलर भी तो फेयर है ना, सोनिया भाभी की जो ब्यूटी है ना वो नेचुरल ब्यूटी है, उस पर हम ना फेक ये पाउडर क्रीम शीम लगाना बेकार है, झूठ ही नहीं करता वो, नॉर्मल नहीं करता, और हम बिना मेकअप के नहीं अच्छे लगते तो भगवान ने तभी तो ब्यूटी अपनी अपनी है ना, हर किसी की अपनी अपनी एक ब्यूटी है ना, बात है ना, देखो भगवान का रंग काला है तो वो दुनिया उनको इतना प्यार करती है ना, बस ऐसे काले भी तो होते हैं, हमारा बीच का कलर है। हाँ कोई बात नहीं, आज यहाँ पे छोटा भालू मजे से बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, देखो कैसे बच्चों की तरह आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि इसको खाना मिल जाए फटाफट, यहाँ पे है इसकी रोटी मस्त, और ये एंजॉय करेगी अभी, लेकिन अभी मतलब इसको ढंग से देंगे मेरा बाबू। तो गाइस आज का हमारा व्लॉग जो स्टार्ट होता है कुछ खट्टी मीठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ, जो कि आज रहेगा मेरे थोड़े से घर वालों के साथ, क्योंकि अभी
नदा भाभी से बात कर ली, चीना से बात कर ली, कोको से बात कर ली, रौनक से बात कर ली, डॉली भाभी से बात कर ली, काकू से बात कर ली, सोनिया भाभी से इसलिए बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी जब, उस टाइम अपना काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा अपना काम कर लूँ तो थोड़ा फ्री होकर फिर बात करती हूँ उनसे। ऐसे करते करते इतना टाइम हो गया और मैं अबू पर गई तो वो सो चुके हैं, तो इसलिए मैं आज के ब्लॉग में उनको नहीं ले पाई। तो बस जितने भी मैं क्वेश्चन कर पाई अपने आप से रिलेटेड, थोड़े से प्यार भरे, थोड़े से खट्टे मीठे से, थोड़ी चुलबुली बातों के साथ, तो बस वो मैंने क्वेश्चन करे जिसका मुझे रिप्लाई भी मिला और बहुत ही अच्छा रिप्लाई मिला गाइस। तो बस अभी अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी खाना वाना सब खा चुके हैं हम लोग और बर्तन बर्तन धोने हैं, और रौनक बनाएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कप चाय का मेरे लिए प्याला, और रौनक ऐसे ऐसे हाथ फैला के देख रहा है गाइस कि ओ मम्मी ने फिर से मुझे हुक्म चला दिया। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी मस्ती करेंगे। रौनक, हाँ जी, एक क्वेश्चन है तेरे से, तो लाइफ में क्या बनना चाहता है? लाइफ में जॉब क्यों? कामयाब बनूंगा, आपको अपना नाम रोशन, कामयाब बन के मेरा नाम रोशन करेगा, और किसका नाम रोशन करेगा? पापा का और फैमिली मेंबर्स का। वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि सब कहते हैं कि रौनक बहुत ही डिसेंट बच्चा है जो अपनी मम्मा की हेल्प करता है, तो इसके बारे में तेरा क्या विचार है? आपका बेटा हूँ, आप के लिए करूंगा ना मैं जो भी करूंगा, मतलब कोई भी काम वाम करना होगा तो आपकी मदद करना इम्पोर्टेंट है। आप भी इतना काम करते हो बाहर जाके, तो घर में भी करते हो, तो मदद करना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच हरी। और एक लास्ट सवाल, और मेरे जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारी यूट्यूब फैमिली कहती है कि रौनक बिल्कुल अपने पापा पे गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? गुड गुड आंसर, क्योंकि तेरी बिल्कुल जो कॉपी है ना तो अपने पापा पे है। बचपन की फोटो कभी मैं दिखाऊंगी तो सेम टू सेम वैसा ही लगता है, बड़ा होके भी तो वैसे ही बने हो। ठीक है माँ, देखो इतनी मेहनत से इतनी तपती धूप के अंदर मैंने चाय बनाई है। हाँ तपती धूप है, रात के 11:30-12 बजे की तपती धूप हो रही है भाई। तो कोई ना, मतलब एंजॉय करो, बहुत गर्मी थी वैसे किचन में, ऊपर से चाय इतनी गर्म। अच्छा, तो कोल्ड कॉफी पीने का मन था, लेकिन कोई ना, छोड़ो छोड़ो, कल सुबह हो गया, गिर गई। गिरी जाएगी हाँ, तो कितना मालूम है ना, उसके बाद देख ले फिर, कोई ना, आप एंजॉय करो चाय। ठीक है, गुड नाइट गाइस। ओके गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए गाइस थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।